और जहाँ धम्म है वहाँ तथागत भगवान बुद्ध है, और जहाँ तथागत भगवान बुद्ध होते हैं वहाँ किसी की भी पराजय हो ही नहीं सकती है, बल्कि विजय विजय होती है। तथागत भगवान बुद्ध जी ने विश्व शांति के लिए पावन मार्ग दिया। उन्होंने विश्व शांति के लिए शांति, मैत्री और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने अहिंसा की, शांति की, मैत्री की, करुणा की, न्याय की, सत्य की, समानता की, स्वतंत्रता की शिक्षा दी। क्या हमने इन शिक्षाओं को अपने आचरण में धारण किया? यदि नहीं किया तो हमारा विकास कैसे हो सकता है? तथागत भगवान बुद्ध जी ने 2500 वर्ष पूर्व पीड़ित मानवता के लिए धम्म चक्र की शुरुआत की थी। उनके जमाने में बलि की प्रथा बहुत थी। उन्होंने अहिंसा परम धम्म का उद्घोष किया। उन्होंने राज सुख का त्याग कर सत्य की खोज के लिए वैराग्य धारण किया। धम्म क्या है? धम्म प्रकृति का नियम, कुदरत का कानून, और जो सब पर एक जैसा लागू होता है। हमारा मन दूसरों के लिए शांति, मैत्री और करुणा से भरा होना चाहिए। हम लोग धम्म में आस्था रखेंगे तो वो कभी भी दुखी नहीं होता है, बल्कि उसके जीवन में सुख ही सुख आता है। बुद्ध का धम्म प्रकृति का नियम, विश्व का विधान, निसर्ग का नियम और कुदरत का कानून, जो सब पर एक जैसा लागू होता है। वह किसी का पक्षपात नहीं करता, अपना और पराया का भेद भूल जाता है और प्रत्येक कार्य को अपना ही समझकर करता है। इसलिए उनका यह कार्य सच्चाई, निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा से आरंभ होकर पूर्ण होता है। उनके इस कार्य से सर्वत्र सुख एवं शांति की स्थापना होती है। धम्म संसार के अंधकार को समाप्त करने वाला ज्ञान का दिव्य प्रकाश है। इसलिए धम्म स्वयं अपने आचरण में धारण कर शीलवान बने, समाधिवान बने, प्रज्ञावान बने, ऐश्वर्यवान बने, विनयशील बने, त्यागी बने, समतावादी बने, यही मंगल मूल है। चार सत्य जगत के इनसे मुखमत मोड़, यही मार्ग मुक्ति का आस पराई छोड़। आठ अंग धम्म के दूर करे भव्याधि, तीन भाग में बट रहे प्रज्ञा शील समाधि। शील समाधि प्रज्ञा ही शुद्ध धम्म का सार, काया वाणी चित्त के सुधरे सब व्यवहार। शील समाधि प्रज्ञा ही शुद्ध धम्म का सार, जो कोई धारण करे हुए दुखों के पार। बोधि जगे, प्रज्ञा जगे, जगे धम्म का सार, काया वाणी चित्त के सुधरे सब व्यवहार। इसलिए हमें बुद्ध धम्म का अपने आचरण में धारण करना चाहिए तो हमारा जीवन सुखी होगा। हम लोग बुद्ध धम्म बोलते हैं, लेकिन उसको आचरण में नहीं लाते। धम्म धम्म तो विश्व कहे, धम्म धम्म तो विश्व कहे, धम्म न समझे कोई, धम्म पथ पर जो चले मंगल होवे अनेक, मंगल होवे अनेक। भीतर बाहर स्वच्छ हो, भीतर बाहर स्वच्छ हो, करे स्वच्छ व्यवहार, सत्य प्रेम करुणा जगे, यही धम्म का सार। सत्य प्रेम करुणा जगे, यही धम्म का सार। इचितं पतितं तुअं हिपमेव समिझतु, सबे पुरेन्तु चिता संकपा, चंदोपन रसयिता। आपकी चाही हुई व मांगी गई सभी वस्तुएं आपको शीघ्र प्राप्त हो। आपके चित्त के सभी संकल्प पूर्णिमा के चंद्रमा के समान पूरे हो, मंगल हो, कल्याण हो। सभी लोग एक दूसरे को कल्याणकारी दृष्टि से देखे और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ये बंद कर